कहेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो पहले बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी कर लें, समझ भी लें कि मानो आपने देखा होगा चंद्रमा तक पहुंच गया, मंगलयान मंगल पे पहुंच गया, हमारे ढेर सारे उपग्रह ऐसे हैं जो अन्य अन्य उपग्रह ग्रहों तक पहुंच गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव के पैर अभी या मानव पृथ्वी के अंदर गहराई नहीं पहुंच सका। इसका क्या क्या कारण है? मानव चंद्रमा पहुंच चुका है, मंगल ग्रह पे उपग्रह पहुंच चुके हैं, बुध पे पहुंच चुके, अन्य सभी ग्रहों पे जा चुका है, लेकिन मानव भी अगर हम देखा जाए तो पृथ्वी की गहराई तक अंतरिम भाग तक नहीं पहुंच सका। जैसे ये पृथ्वी होगी, इसकी गहराई अंदर तक मानव भी नहीं पहुंच पाया। उसके कई रीजन। ये बड़ा आश्चर्य भी है कि साइंस इतना आगे हो गया आज के समय में, फिर भी मानव पृथ्वी के अंदर नहीं जा सका, उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच सका, उसकी गहराइयों के बारे में नहीं जान सका। ये आश्चर्य तो होता है, किंतु ये सत्य है। ठीक, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो इसका रीजन क्या है, इसका जानने का प्रयास किया गया। तो हम लोगों ने देखा या जाना कि पृथ्वी की गहराई पर जब जाते थे तो तापमान लगातार बढ़ता जाता था। ये कैसे पता चला? जब सोने की खान की खुदाई हुई, कोयले की खान की खुदाई हुई, तो हम लोगों ने वहाँ देखा या महसूस भी किया कि जब हम गहराई की तरफ बढ़ रहे थे, जब नीचे की तरफ जा रहे थे, तो टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तापमान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इस प्रकार मानव ने कई बार प्रयास किए, लेकिन वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकता, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, इसका जो जीवमंडल होता है वहाँ पे हम ये देखेंगे कि मानव के लिए स्वतंत्र रूप से जीने के लिए ऐसी वातावरण जिसमें कोई प्राकृतिक साधन ना हो, जैसे मास्क लगा कर जाना या अन्य बिना चीज़ों को उपयोग करना, ऐसे को हम जीवमंडल कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर की गहराई में जाने पर जो गहराई में जाने का प्रयास करता मानव, तो उसके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती। समस्या क्या उत्पन्न हो जाती? यह उत्पन्न हो जाती कि तापमान बढ़ने लगता, वहाँ रहना मुश्किल रहता। इसलिए मानव पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों तक तो पहुंच गया, लेकिन अभी पृथ्वी गहराई तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच सका। तब इसकी आंतरिक संरचना को कैसे जाना जाएगा? तो इसकी जो आंतरिक संरचना है वो वैज्ञानिक आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर है। दो आधार पर है, कल्पना के आधार पर और किसके आधार पर? किसके आधार पर? खोज हो ही नहीं सकती। खोज के आधार पर क्या है? एक प्रत्यक्ष अभी देखेंगे हम लोग, एक कल्पना के आधार पर, एक वैज्ञानिकता के आधार पर। अब जैसे आपने बम्बई कभी नहीं देखा है तो बम्बई के बारे में कर सकते हैं कल्पना कर सकते हैं, बम्बई ऐसा होगा, वहाँ पे मिट्टी होगी, वहाँ इस तरह से होगा, ऐसी जलवायु होगी, ये क्या कल्पना कर सकते हैं। साइंस के लिए दृष्टिकोण देख लेंगे कि साइंस के दृष्टिकोण से कैसा हो सकता है, वहाँ का तापमान क्या होगा। उसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के जो स्रोत होते हैं वह प्रमुख रूप से दो स्रोत माने जाते हैं। दो स्रोत क्या क्या है? जो स्रोत है, सोर्स, पहला है डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत। फिर यहां पे आते देखते हैं, यहां पे भी मिलता है प्रत्यक्ष स्रोत, तो हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के दो स्रोत मिलते हैं। एक मिलता है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा मिलता है अप्रत्यक्ष स्रोत। क्या मिलता है? प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक, अब अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं। आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, उसके बारे में जानते होंगे। प्रत्यक्ष माने जो सामने दिखता हो, अप्रत्यक्ष माने जो। अब इसमें भी क्या क्या चीजें देखिए, इसमें भी तीन टॉपिक है। पहला क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत में हम आते हैं तापमान, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। दूसरा घनत्व, डेंसिटी इसे कहते हैं। तीसरा दबाव, प्रेशर। ठीक, प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या है? पहला ज्वालामुखी, वोल्केनो। दूसरा भूकंप, अर्थपिट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के दो सोर्स हैं, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक, डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट सोर्स। अप्रत्यक्ष स्रोत में तीन आते हैं, तापमान टेम्परेचर, घनत्व डेंसिटी, द
दबाव प्रेशर, तीन तरीके ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी पाए। ये पता स्रोत में क्या है, ज्वालामुखी और भूकंप, वोल्केनो और अर्थक्वेक, ठीक ये दो हो गए वोल्केनो और अर्थक्वेक। अब और आगे बढ़ते हैं, इनको अलग अलग से पढ़ा जाए। तो मानव ने अपृथक स्रोत के बारे में कैसे सोचा, क्या कारण क्या था, जैसे जब मानव पृथ्वी की गहराई में जाना शुरू किया, गहराई में जाना शुरू किया तो उसे लगा कि यहाँ पे तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक एक करके एक पॉइंट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझ लेते हैं पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक मध्यम घनत्व वाला ग्रह है, ठीक। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व आगे हम लिखेंगे 5.5 है, ये सारी चीजें, लेकिन अभी हम लोग एक एक क्रम से पढ़ते हैं फिर इसकी नोट्स बनाते हैं, ठीक। अभी केवल केवल इसको समझ लेते हैं पूरा पूरा, उसके बाद इसको नोट्स बनाकर बेहतरीन तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। पर अपृथक स्रोत में पैदा था तापमान, तापमान क्या है, जब हम पृथ्वी के अंदर नहीं गए हैं तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर तापमान कैसा होगा ये कैसे पता चलेगा, कल्पना के आधार पर कि मानो जब कुछ गहराई पर गया उसे क्या मिला, तापमान बढ़ने लगा। उसके बाद जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो वहां से क्या निकला, गर्म उत्तप्त लावा निकला, मैग्मा निकला, लावा निकला। जब लावा ऊपर आया तो उसकी टेम्परेचर इतना ज्यादा था, उससे यह लगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं पृथ्वी की गहराई में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जिसकी वजह से चट्टाने भी क्या होती है, पिघली हुई अवस्था में रहती है, लिक्विड अवस्था में रहती है, ठीक। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत था, ज्वालामुखी फूटा नहीं था, लेकिन जब आदमी अंदर गहराई में जाने का प्रयास करने लगा तो तापमान क्या होगा, लगातार बढ़ने लगा। इससे यह हुआ कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान लगातार बढ़ता जाता है। ये अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। इसकी अलग अलग दरें हैं लेकिन वहां पर काम का नहीं है। अब आते हैं पढ़ते हैं घनत्व, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी घनत्व। घनत्व बराबर हम जानते हैं मास बटे वैल्यूम, आप जानते हैं मास क्या होता है द्रव्यमान, वैल्यूम बटे आयतन, ठीक। अब पृथ्वी का जो औसत घनत्व, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, जबकि पृथ्वी की क्रस्ट जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जो उसका घनत्व है, तो उसका घनत्व कितना है आपका, किसी को पता है पृथ्वी के क्रस्ट का जो घनत्व है वो कितना है, वह है 2.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब लगभग। अभी देखेंगे इसमें दो तीन दरें मिलेंगी, तो 2.5 और औसत 5.5। इसका मतलब जैसे इसको समझा दें आपको, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का औसत निकालना है तो कितना इसका औसत होगा, 4। कितना होगा, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि 4 से बड़ी भी संख्या है छोटी भी। जब पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व 2.5 ग्राम सेमी क्यूब है और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, इससे यह बात स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का गहराई में जाने पर 5.5 से ज्यादा भी किसी स्थान का घनत्व तो होगा। तो इससे एक बात स्पष्ट होता है कि हम ज्यो ज्यो गहराई में जाते हैं त्यो तो क्या होता, इसका घनत्व तो लगातार बढ़ता था। किसका घनत्व, तो पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, माय डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वैल्यू, ठीक। ये हो गया घनत्व का, ठीक। कहीं ना कहीं मतलब घनत्व तो कितना है, 5.5 से ज्यादा 10, 12, 13 भी हो सकता है, जब क्रस्ट का घनत्व 2.5। क्रस्ट भू परपटी जिस पर हम निवास करते हैं। अभी एक एक करके एक प्रक्रम में हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। फिर आते हैं दबाव प्रेशर की बात करते हैं। ये दबाव क्या है, दबाव प्रेशर किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं जब किसी भी वस्तु का घनत्व अधिक करते हैं उसमें दबाव व्यतिक बढ़ता जाता है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। लगातार जब हम नीचे की तरफ जाते हैं क्या होता है, जैसे आप पैदल चल रहे हैं आपके ऊपर 10 किलो रखे जाए, भागते रहिए, लेकिन 20 किलो वजन बढ़ाया जाए, 30 किलो बढ़ाया जाए, 50 किलो बढ़ाया जाए, 1 क्विंटल बढ़ाया जाए, 5 क्विंटल रखा जाए, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल में भी वायु दाब पढ़ेंगे, उसके प्रेशर की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के गहराई में जाने पर जब घनत्व बढ़ता है साथ साथ क्या होता है, उसके दबाव में भी लगातार वृद्धि होती है। अब आते हैं प्रत्यक्ष, अभी चर्चा करते हैं, पूरा उसकी नोट्स लिखेंगे, पूरा चीजों को दोबारा समझेंगे। प्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं, इसमें क्या मिलता है, ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी क्या है, अभी आगे हम लोग देखेंगे, पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़कर जब उत्तप्त
मैग्मा तोड़कर बाहर निकलता है, लावा जब बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। जहाँ से निकलता है उसे विवर्चित, ज्वालामुखी अलग से चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी से उद्गार जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, उसका अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत से डायरेक्ट हम उसके लावा लाते हैं, उसका जमा हुआ लावा उसका अध्ययन करते हैं। उसके अध्ययन के बाद हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कैसे पृथ्वी के अंदर की चट्टान है, उस आधार पर हम आकलन लगा सकते हैं। सबसे सॉलिड जो विधि है इस समय जो सर्वमान्य थियरी है भूकंप के आधार। भूकंप क्या है? पृथ्वी के कंपन करना ही भूकंप है। तो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण से क्रस्ट पे, ठीक है, भूकंप इसे कहते हैं। इसका भी लंबा हो जाएगा, मनुष्य के या प्रकृति के किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों के द्वारा पृथ्वी पर होने वाले कंपन को, ठीक, हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यदि पृथ्वी के कष्ट पर कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इसका अध्ययन सिस्मोग्राफी सिस्मोलॉजी में भूकंप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो भूकंप जब आता है एक प्रकार तरंगे निकलती, वेव्स निकलती, उसी वेव्स के आधार पर हम गुजार कर यह देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना किस तरह से है या किस रूप में है। ठीक, अभी हम अलग अलग करके देखेंगे ऐसा कैसे है, क्या क्या कारण है। तो यह था प्रत्यक्ष स्रोत, इसे केवल जानना था, ज्वालामुखी को जानना था, लेकिन वास्तव में जो हम पढ़ेंगे वह किसके आधार पर पढ़ेंगे, भूकंप के आधार पर ही पढ़ेंगे। इसलिए मानव को अंदर गहराई में जाकर इसका अध्ययन करने में काफ़ी समस्याएं या बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ठीक, अब इसको एक बार समझ लीजिए, जो चीज़ समझ में आई हो पूछ लीजिए, क्योंकि उसके बाद अब हम लोग नोट्स की तरह लिखते चलेंगे और हम बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे। तो क्या रहा है आप लोग का, समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें से? चलिए हेड डालिएगा। पृथ्वी हो गया, यहाँ तक लिख लिया ना, ठीक। चलिए हम पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। 5.5 ग्राम प्रति 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है जो सौरमंडल का, जो हमारे सौरमंडल का, जो हमारे सौरमंडल का, जो हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। जबकि शनि ग्रह 0.69 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। क्या दो बातें स्पष्ट हुई? पहला, हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है जिसका औसत घनत्व 5.5, जबकि शनि का देखते हैं, शनि का क्या है, सबसे कम है, कितना कम है, 0.69 ग्राम सेमी क्यूब प्रति सेमी क्यूब, ठीक, इसका शनि का कहने मतलब शनि को पानी ग्रह में डाल दीजिए तो पानी में भी नहीं डूबेगा, इसका घनत्व इतना कम। ठीक, आगे लिखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी, क्वेश्चन मिल गया, सिस्मोलॉजी की सहायता लेते हैं। सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी की सहायता लेते हैं पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के सतह के नीचे लिखिएगा, पृथ्वी की सतह के नीचे
वह बिंदु जहां से वह बिंदु वह बिंदु जहां से भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे फोकस अथवा अपकेंद्र कहते हैं। अपकेंद्र कहते हैं अपकेंद्र फोकस मतलब अगर यहां इस बिंदु से अगर उत्पन्न हो रहा है इस बिंदु कहेंगे फोकस अपकेंद्र तथा जहां सबसे तथा जहां पृथ्वी की सतह पर फोकस के ऊपर लंबवत फोकस के ऊपर लंबवत फोकस के ऊपर लंबवत भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं उसे अधिकेंद्र या इपिसेंटर अधिकेंद्र या इपिसेंटर अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक तो हमने क्या क्या सीखा पहले तो हमने ये देखा कि भूकंप जिस बिंदु पर सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे फोकस या अपकेंद्र कहते हैं। उसके बाद उस स्थान से माने अपकेंद्र से लंबवत एकदम सीधा 90 डिग्री पर सबसे पहले जहां पे भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं उस स्थान को एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते ठीक चलिए आगे लिखिएगा पहले समझ लीजिएगा। इसे जो भूकंप पृथ्वी के अधिसूचना को जाना जाता है भूकंप आते हैं ये तरंगों के माध्यम से आते हैं जिन्हें वेव्स कहते हैं। ये तरंगे क्या होती हैं इनको शायद आप लोग जानते भी होंगे ऐसा नहीं है कि तरंगों से परिचित नहीं होंगे। इसके पहले अगर आप 2G मोबाइल यूज करते थे 3G करते थे 4G करते थे टीवी डिश टीवी लगाते हैं तो कैसे इसमें आवाजें आती हैं या टीवी में मोबाइल बात करते हैं एक आदमी कैसे बात होती है उसमें से तरंगे निकलती हैं वेव्स निकलती हैं। अब वो 2G में हो सकता है ये वेव्स हो 3G में ये वेव्स हो 4G में ये हो तो जितना बढ़ता जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होती है बढ़ती जाती है। ठीक तो ये कहते हैं सिग्नल नहीं मिल रहा है वीक नहीं मिल रहा यही क्या होता है वेव्स उसे नहीं प्राप्त हो पाती है। ठीक कह रहे सिग्नल नहीं मिल रहा है तो उसी तरह भूकंप भी तरंगों के माध्यम से आता है जो तरंगे हलचले होती हैं उन्हीं के माध्यम से कंपन उत्पन्न होता है। ठीक उसी को हम लोग को अब ठीक आगे चलिए लिखिएगा। भूकंप के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भागों से तरंगे उत्पन्न होने के बाद सतह की तरफ गुजरती हैं पृथ्वी की सतह की तरफ गुजरती हैं और अंत में पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। यही तरंगे भूकंपी तरंगे कहलाती हैं।
कहलाती हैं, और इन्हीं का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए किया जाता है। अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखेगा, पॉइंट बना के लिखेगा, इन तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहां पहचानने के लिए विशिष्ट यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक, आगे और लिखिएगा, एक पॉइंट बना के लिखे नोट में, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापते हैं। जबकि पुराना पैमाना मर्केरी स्केल था। रिएक्टर स्केल पर 1 से लेकर 10 तक अंक होते हैं। और प्रत्येक अंक पहले अंक से 10 गुना अधिक होता है। इन्हीं अंकों के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक, और आगे लिखिएगा, भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। जिनके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। पहला पी वेव, दूसरा यस वेव, तीसरा यल वेव। पी तरंगे इन्हें हिंदी में कहते हैं प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव इन्हें धरातली तरंगे,
उसका एक नाम और अभी आगे हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट वाला इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। क्योंकि भूकंप के दौरान सबसे पहले यही तरंगे उत्पन्न होती है। आगे लिखेगा, यह तरंगे केवल पृथ्वी के सतह के नीचे चलती हैं। अगला पॉइंट, इन तरंगों में सर्वाधिक गति होती है जो 21 सेकंड में पूरे पृथ्वी को पार कर जाती है। जो लगभग 21 सेकंड में पृथ्वी को पार कर जाती है यह तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती अथवा चल सकती है। नीचे लिखिएगा, माध्यमों का घनत्व बढ़ने के साथ साथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का उदाहरण है। समझ में आ गया क्या आया?
ये हम लोगों ने देखा कि जो पी तरंग ये पी वेव्स होती हैं इन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। यह पृथ्वी के सतह के नीचे चलती है, इनकी गति तीव्र होती है और यह सबसे पहले जन्म लेती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंगों के नाम से भी जानते हैं। इन तरंगों की गति घनत्व बढ़ने के साथ साथ इनकी गति भी लगातार बढ़ती जाती है। ठीक, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतनी गति इनकी तीव्र होती जाएगी। ठीक, और हम लोगों ने क्या लिखा कि यह जो तरंगे हैं यह ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में गुजर सकती है, लेकिन इसके लिए माध्यम जिम्मेदार होता है। माध्यम जितना तगड़ा होगा उनकी गति की उतनी तेज होगी। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि यह अनुदैर्ध्य तरंगे की भांति कार्य करती है या चलती है। ठीक, अब एक होता है भूकंपी छाया क्षेत्र, वो लास्ट में लिखवा देंगे, पी तरंग तरंग को उसमें दिखा के एक लाइन लिखवा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसी समय लिखेंगे तो फिर आपको बताना होगा भूकंपी छाया क्षेत्र क्या होता है। कहें तो लिखवा दे या लास्ट में लिखवा दे, तीनों वेब्स लिखवा लेते हैं फिर लिखवाते हैं। अगला लिखिएगा, इन्हें लिखा यस वेब्स, इन्हें द्वितीयक तरंगे, इन्हें द्वितीयक तरंगे कोष्टक में सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे कोष्टक में सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, यह भी केवल पृथ्वी के सतह के नीचे चलती हैं, यह भी केवल पृथ्वी के सतह के नीचे चलती हैं। अगला लाइन लिखिएगा, यह भी केवल ठोस माध्यम, यह केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है। यह केवल, यह माने यश तरंगे, यश वेव्स, यह केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, यह केवल ठोस माध्यमों से गुजर सकती है, गुजर सकती तथा माध्यमों की गति ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी, माध्यमों का घनत्व ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा, माध्यमों का घनत्व डेंसिटी जितना ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा इसकी गति त्यों-त्यों बढ़ती जाएगी। मतलब हम लोगों ने देखा वो पी वेव्स ठोस द्रव दोनों में चलती थी, ये केवल ठोस में चलती है, ये द्रव में नहीं चलती, लेकिन इसका भी गति जो है किस पे निर्भर करता है, डेंसिटी पे, घनत्व पे, घनत्व बढ़ता जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, गति बढ़ती जाएगी। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट बना के, यह अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवेव, यह अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंगों की भांति चलती है, काया अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। अभी दोनों का छाया क्षेत्र अलग अलग पढ़ लेंगे। ठीक, आगे लिखेगा एल वेव, इन्हें लव तरंगे कहते हैं, लव तरंगे, L O V E, लव वेव, लव तरंगे कहते हैं। क्योंकि इस तरंग की खोज लव नामक वैज्ञानिक ने की थी, इन्हें धरातली तरंगे भी कहते हैं, इन्हें धरातली तरंगे भी कहते हैं, इन्हें धरातली तरंगे भी कहते हैं।
यह तरंगे पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। यह तरंगे पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। इनकी गति पी और एस तरंगों की गति से कम होती है। इनकी गति पी और एस तरंगों की गति से कम होती है। किंतु यह पी और एस तरंगों से अधिक दूरी तक जाती है। और उनसे अधिक विनाशकारी भी होती हैं। ठीक, यह तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। ठीक, हम लोगों ने भी क्या क्या देखा, पहले हमने पीरियड्स पढ़े। इनकी गति क्या होती है, बहुत तीव्र है, लेकिन एक कम विनाशकारी है, 21 मिनट में बिजली को पार कर जाती है। फिर इनकी गति जो हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने पीवेस ये देखा, ये 21 मिनट पार कर जाती है लगभग। फिर उससे इनकी गति क्या होती है, तरंगे कम है, ये एक विनाशकारी नहीं है, ये उससे ज्यादा विनाशकारी है और सबसे ज्यादा विनाशकारी। ठीक, इसको हमने देखा, इसे लव वेव्स इसलिए कहते हैं, ये लव नामक वैज्ञानिक ने खोजा था इसको। ठीक, इसे धरातली तरंगे भी कहते हैं। इसकी गति क्या होती है, मंद होती है, ये सतह पर सतह चलती है, लेकिन यह विनाशकारी। ठीक, ये भी उनकी गति क्या होती है, दोनों से कम होती है और ये दोनों से ज्यादा विनाशकारी भी होती है। ठीक, अब आगे हम लोग लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। इन तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े हुए अनुमान निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं। नीचे पॉइंट बनाकर लिखते चलिए। भूकंपी तरंगे सीधा न चलकर वक्राकार मार्ग में चलती है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक भागों में घनत्व एक समान नहीं, एक समान नहीं। अगला पॉइंट भी सब समझा रहे। अगला पॉइंट, पृथ्वी के अंदर माने सतह के अंदर पी और एस तरंगे पी और
एस तरंगे अलग अलग गतियों से चलती हैं। पी और एस तरंगे अलग अलग गतियों से चलती हैं। पी और एस तरंगे अलग अलग गतियों से चलती हैं। अलग अलग गतियों से चलती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उनके घनत्व में भी अंतर है। जिस कारण उनके गति में परिवर्तन होता है, जिस कारण उनके गति में परिवर्तन होता है, जिस कारण उनके गति में परिवर्तन होता है, पॉइंट गहराई बढ़ने के साथ साथ इन तरंगों की गति में इनकी भी बढ़ती जाती है। तथा तीन स्थानों पर तथा सतह से नीचे तीन स्थानों पर इनकी गति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है, तथा उनके गति परिवर्तन से यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि यह तीन परिवर्तन तीन परतों की व्याख्या करते हैं। ये तीन परिवर्तन तीन प्रकार के परतों की व्याख्या करते हैं। तीन प्रकार परतों की व्याख्या करते हैं जो क्रमशः जो निम्नलिखित है। पहला भू परपटी, भूपरपटी क्रस्ट। दूसरा मेंटिल, तीसरा क्रोन, ठीक। अब इनके बारे में और लिखेंगे, और लिखते रहिए। भूकंप की छाया क्षेत्र अर्थक्विक शैडो जोन
पृथ्वी की सतह पर वह क्षेत्र, पृथ्वी की सतह पर वह क्षेत्र जहां सिस्मोग्राफ द्वारा, जहां सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ऐसे क्षेत्र को भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। पॉइंट बना के लिखिएगा, भूकंपी सॉरी छाया क्षेत्र का निर्माण बाहरी कोर, बाहरी क्रोड लिखेगा और रिजन लिखेगा अपर कोर, बाहरी कोर अंग्रेजी में लिखेगा अपर क्रोड, ठीक, पुस्तक लिखेगा 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर द्रव अवस्था में होने पर होता है, द्रव अवस्था होने पर होता है, ठीक। अब नीचे लिखेगा कि तरंग की छाया क्षेत्र ई वेव्स का छाया क्षेत्र है, ये यस वेव का छाया क्षेत्र है, ठीक। यह हो गया कोर, यह भी हो गया। अब जैसे यहां से कोई छाया क्षेत्र को गुजारा जाए तो यहां जाने में देख रहे वक्राकार ध्रुव, देख रहे ना, ये वक्राकार क्या हो रही है, घूम जा रही है, जिससे यह बात विदित तो होता है कि गहराई में जाने पर कहीं न कहीं ऐसा इसका घनत्व बढ़ता जा रहा है, जिस कारण तरंगे का सीधी नौकर टेढ़ी जा रही है, वरना सीधी चली जाती है ना, कि हमने पढ़ा है घनत्व के आधार पर क्या होती है, बढ़ती जाती है, इसका भी टेढ़ी हो जा रही है, जिससे यह बात विदित तो होता है, जिससे यह बात स्पष्ट होता है कि अंदर जाने पर कहीं न कहीं क्या है, इस ठोस अवस्था और द्रव अवस्था को देखिए, यहां से तरंगे सीधे निकली, यहां ठीक, तो यह हो गया आपका 103 अंश, यह भी हो गया 103 और यह हो गया 142 और यह हो गया 100। तो सीधे सा प्रश्न पूछ लेता है कि पी वेव्स की भूकंप छाया क्षेत्र क्या है 103 से 100 या फिर नहीं, इसे कहते भूकंप की छाया क्षेत्र। यह तरंगों को देखते हैं, यहां तरंगे निकली, यहां तरंगे निकली, यहां से आई, यहां से देखिए कोर को बड़ा बनाते हैं, फिर हमने क्या देखा कि जो यस वेव्स है तो सेकेंडरी वेव्स, उसका हमने देखा कि सेकेंडरी वेव्स में भी क्या होता है, देखिए कोर हो गया आपका, यहां से तरंगे आपकी निकली, यहां निकल हो सकता है क्योंकि यहां से, और ये दर्शाता है इस बात को कि कहीं न कहीं गहराई में जाने पर, डेप्थ में जाने पर क्या बढ़ रही है, घनत्व। कि हमने एसवेव्स में ये पढ़ा या लिखा कि गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, इसके गति बढ़ती है, घनत्व बढ़ेगी तो गति बढ़ेगी, और ये वक्राकार हो रही है,
और ये वक्राकार होना भी ये बात स्पष्ट करता है, ये बात बताता है कि अंदर जाने पर ग्रहण क्या हो रहा है, इसके घनत्व बढ़ रहा है। ठीक, याद है तो बात समझ में आई कि यहाँ तक ये टर्नओवर ये वक्राकार जा रही है, लेकिन इसके जस्ट बाद यहाँ पे ये तरंगी विलुप्त होगी इसके नीचे। इसका मतलब है इसके नीचे न जाए, क्या हमारी शक्ति हटा देते हैं, क्योंकि शक्ति आपको पता ही होगा 103। यहाँ तरंगे नहीं जाने का मतलब क्या है, क्योंकि हमने एक बात और पढ़ा था जो यश वेव्स है, ये कोई लिक्विड वेव्स नहीं है, माने जहाँ द्रव अवस्था होती वहां नहीं चल पाती, केवल केवल ठोस अवस्था में सॉलिड फॉर्म में ही चल पाती है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसा जगह है जहां पर कैसे अवस्था में लिक्विड अवस्था, वहां पर ये तरंगे प्रवेश। तो इनका जो क्षेत्र है वह भी 103 अंश या 103। इसके नीचे जो होगा इनका शैडो जोन, अर्थात शैडो जोन या भूकंप का छाया क्षेत्र बनेगा। ये क्षेत्र क्या होगा, भूकंप का छाया क्षेत्र होगा। ठीक, क्योंकि इस स्थान पर भूकंपी तरंगे नहीं आएंगी। और फिर हमने एक लाइन अभी हम लोगों ने क्या लिखा था कि नीचे देखिए पढ़िएगा कि जहां पर हमने लिखा था अपर कोर 2900 से 5150 किलोमीटर या लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे देखिए ये कोर है। अगर पृथ्वी को इसको तोड़ के डिवाइड करें, हमने क्या देखा कि सत्ता में तीन बार परिवर्तन आते हैं, एक परिवर्तन, दो परिवर्तन और तीन परिवर्तन। ये तीनों परिवर्तन यह बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये कितने मेजर पार्ट है, तीन। कौन कौन, क्रस्ट जिसे भूपर्पटी कहते हैं, जिसपे हम निवास करते हैं सतह, दूसरा मेंटिल, ठीक, मध्य का हिस्सा, और तीसरा क्या निकला, कोर या क्रो। ठीक, अभी तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन हमने यह किससे जाना, भूकंपी तरंगों के आधार पर उनके छाया क्षेत्र को बनाकर। आप इसे बना लीजिएगा, और आप जो अगर ऑनलाइन आप देख रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, कि आगे के भी जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी के बेस पे, इसी के आधार पर पढ़ेंगे। क्योंकि भूकंप के मैंने पहले बताया, शुरुआत में बताया था कि मानो बेशक चंद्रमा तक पहुंच गया, चंद्रयान पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, चंद्रमा तक पहुंच गया, लेकिन अन्य ग्रह पे उसके उपग्रह पहुंच चुके, सैटेलाइट उसके पहुंच चुके, उसके यान पहुंच सके, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मानव भी पृथ्वी की गहराई में नहीं, उसकी गहराई के अंदर तक नहीं जा सका। उसके कितने कारण थे मैंने शुरुआत में बता दिया, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। तो ये जो है ये डायरेक्ट सोर्स है, ये प्रत्यक्ष स्रोत है, कौन से, ये अर्थिक वेव्स, भूकंपी तरंगों, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं इनके तीन कौन कौन से पार्ट है। उन तीनों पार्टों के बारे में हमने क्या क्या लिखा था, वो तीनों कौन कौन से थे, हाँ इसमें एक दो लाइन लिख लीजिएगा, फिर आगे हम इसकी एक एक को अलग अलग पढ़ते हैं। लिखिएगा, इन तरंगों के इन तरंगों माने इन तरंगों माने पी वेव्स और एस वेव्स, क्वेश्चन लिखेगा पी वेव्स और एस वेव्स, इनकी गति और भूकंपी छाया क्षेत्र के आधार पर हम यह बात स्पष्ट होती है। भूकंपी छाया क्षेत्र के आधार पर, अर्थिक शैडो जोन के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि पृथ्वी की आंतरिक भागों को तीन भागों में विभाजित होती हुई प्रतीत होती हैं। जो निम्नलिखित, फिर वही नाम डाला जो कुछ पहले लिखे थे, क्रस्ट भूपर्पटी कोष्टक में स्किल काम करते चलिए, दो इस समय आप अच्छा लिखते, खाली क्रस्ट भूपर्पटी कोष्टक में इसकी मोटाई 0 से 30 किलोमीटर, ऐसे आपको 35 मिलेगा लेकिन एनसीईआरटी किताब में 0 से 30 किलोमीटर है। ठीक, दूसरा मेंटेल, यह है आपका 30 से 2900 किलोमीटर। ठीक, फिर तीसरा कोर, क्रोड से कहते हैं, यह 2900 किलोमीटर से लेके
6371 किलोमीटर है। इन सभी के भी दो दो पार्ट है, इन सभी के भी दो दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। दो पार्ट कैसे डिवाइड हो जाएंगे उसको भी देख लीजिएगा, उसको भी हम डायग्राम से यहां समझा दे रहे हैं आपको। जैसे क्रस्ट था कितना मोटा इसका, ये था 0 से 30 किलोमीटर, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट की जो मोटाई देखिए, महाद्वीप और महासागर, ठीक। अभी पढ़ेंगे औसत है, कहीं 35 है कहीं 40 मिलेगा। तो यहाँ पे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट इसकी मोटाई लगभग ज्यादातर ही मिलेगा, ये मिलेगा 0 से 25, ये मिलेगा 25 से 30, मैं एवरेज लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे भी आएंगे, इसके भी मेजर दो पार्ट होंगे मेंटल के, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल की जो मोटाई होगी, अपर मेंटल की, वह होगी आपकी 30 से लेके 700 किलोमीटर। अभी हम देखेंगे मैग्मा कहाँ से निकलता है, जो ऊपर उत्तप्त लावा आता है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, फिर मेंटल को लिखेंगे, ये अपर मेंटल हो गया। देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अपर है और नीचे वाला लोअर है, माने बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल, हिंदी में कहेंगे बाह्य मेंटल और आंतरिक। इसकी मोटाई है 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। फिर यही बात करोड़ में भी आती है, यहाँ पे भी है, ये 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक, ठीक। किसी किसी किताब में मिलेगा 5155 किलोमीटर, लेकिन वो गलत है, ये एनसीईआरटी है, इफैक्ट डेटा है। फिर 5150 से लेके 6371 किलोमीटर। अगर इसी को हमें डायग्राम में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये बन गया आप लोग का ना सड़ जोन, नहीं बना तो इधर बना दे रहे हैं। अगर इसे हम डायग्राम में दिखाना होगा तो यह हिस्सा हम ले लेते हैं, ठीक। यह हिस्सा का मतलब क्या है, यह हिस्सा मैंने जो काटा है वो इस तरह से काटा है, देख लीजिएगा, इसे कह सकते हैं पृथ्वी हमने एक त्रिज्या काट के अलग कर ली, जो मैंने यहां पे पेस्ट कर, यहां पे काट लिया और यहां पे लाके हमने, तो यह हिस्सा मैंने मान लिया मेंटल, ये ऊपर क्रस्ट मान लिया, भूपर्पटी सतह जिस पर हम रहते हैं, इसकी मोटाई मिली हमें 0 से 30। फिर हमने नीचे ले लिया मेंटल, ठीक, मेंटल को मैंने मोटाई कितनी ली, 30 से लेके 2900 किलोमीटर, ये हो गया 30 से लेके 2900 किलोमीटर। इसमें भी दो मेजर पार्ट होंगे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक। फिर नीचे आएंगे क्रोड की बात कर रहे हैं, इसको भी दो भागों में, अपर क्रोड और, तो अपर क्रोड की देखिए ये हिस्सा, ये नीचे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे छोड़ दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका यहाँ, ये हो जाएगा आपका 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर, ठीक। अब एक प्रश्न यहाँ सीधा सीधा कई छोटे परीक्षाओं पूछता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, तो यही त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की जो दूरी वही क्या होगी, त्रिज्या यहां से लेके यहां तक कितना है 6371। देख लीजिए अगर इसको डायग्राम से और हम प्रदर्शित करना चाहें यहां से, तो ये हो जाएगा 6371 किलोमीटर, कहां से, 0 से लेके, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होगी वो होगी 6371 किलोमीटर, ठीक, सीधा सीधा। अगर इसका व्यास पूछेगा त्रिज्या गुणे दो कर देंगे। अरे हम अभी गणित जब पढ़ेंगे हम क्या जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर अलग त्रिज्या की जा सकती है, प्रत्येक त्रिज्या क्या होती है, व्यास होता है त्रिज्या का दो गुना होता है, ठीक। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर प्लस टू आर, तो मैंने त्रिज्या गुणे दो व्यास, तो परीक्षा प्रश्न पूछता हम घबरा जाते हैं, अरे किसी किताब ने तो पढ़ाई नहीं है, तो यही है कि इसकी त्रिज्या हो गई, व्यास पूछेगा तो गुणा दो कर देंगे, ठीक। अब इसके आधार पर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, इसमें भी अलग अलग वैज्ञानिक है अपना अलग अलग राय दिए, इनको अलग अलग जगह पे इनकी कहाँ पे गति कम होती है, कहाँ पे गति बढ़ती जाती है, कहाँ गति परिवर्तन होता है, इन सभी को हम अलग अलग प्रक्रम में पढ़ेंगे। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हम ज्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे कि इस समय हम ऑप्शनल ज्योग्राफी ना आपको पढ़ा रहे हैं ना आप पढ़ रहे हैं, ये सामान्य धर्म के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सामान्य धर्म के दृष्टिकोण से हमें कोई भी टॉपिक ऐसा छूटना नहीं चाहिए, कि मजबूरी ये है कि हमें भूगोल पढ़ना नहीं, भूगोल को समझना है, इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे तोड़कर आपको बतानी पड़ रही है, ठीक। इसके बाद अलग अलग टॉपिक को लेंगे तो हम अभी इस बात को और समझ लेते हैं कि हमने ये देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमने जो सबसे प्रमुख साधन मिला वर्तमान समय में वो क्या मिला, भूकंप विज्ञान, जिसका अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और वहां पे हम जिस यंत्र से इसका क्या करते हैं, जो भूकंपीय तरंगे निकलती कैसे निकलती, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया। तीन प्रकार के तरंगों को हमने पढ़ा, पी वेव्स, एस वेव्स और
एल लेयर। इसके आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन मेजर पार्ट में डिवाइड किया, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। अब इसके आधार पर एक और बता दें, इसके जस्ट बाद ये था किसके आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसी बात एक हेडिंग और डाल लीजिएगा, रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर या रासायनिक तत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, रासायनिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये बहुत सरल है, तुरंत आपको समझा दे रहे हैं, ये आप लोग पढ़े भी हैं, ये लोग जानते भी हैं, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। बीएड में जब टीचिंग लगती है, जब भूगोल पढ़ाना होता है कक्षा सात की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्ट दो है ये एससीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी में ली है। नीचे लिखिएगा इसमें, ऑस्ट्रेलिया के श्वेस महोदय ने रासायनिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा है या तीन भागों में विभाजित किया है। पहले तीनों का नाम लिख लीजिएगा, फर्स्ट पहले पे सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, हेड ले लेगा सियाल, या पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, या पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सिल्कन और एल्युमिनियम, सियाल की बनी है और सियाल का तात्पर्य है सिल्कन और एल्युमिनियम, सिल्कन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। जो हल्के पदार्थ हैं इन रासायनिक तत्वों के आधार पर हमें कह सकते हैं पृथ्वी के सतह का घनत्व कम, क्योंकि इनका निर्माण हल्के तत्वों से हुआ है, क्योंकि इनका निर्माण हल्के तत्वों से हुआ है। इसको समझ लेते हैं। हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने अगर भूकंपी तरंगों के आधार पर देखा तो यहां पे देखा गति क्या थी, लगातार कम होती गई, तरंगे वक्राकार होते गए, तो वहां पे देखा पृथ्वी का जो ऊपरी परत था उसका घनत्व क्या था, कम था, 2.5 था, जबकि औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब था। तो यहां पे भी स्पष्ट होता है, श्वेस महोदय जी भी ये कहते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वह किससे बना है, सिल्कन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, जो हल्के पदार्थ है, जब हल्के पदार्थ है तो ऊपर की जो परपटी होगी कैसी होगी, हल्की, मान उसका घनत्व क्या होगा, कम। यह बात स्पष्ट हुआ, अभी हमने वहां पढ़ा तो यहां भी है स्पष्ट हो रहा है। अगला लिखिएगा सीमा, यह सिल्कन, यह सियाल के नीचे, यह सियाल के नीचे, नीचे की परत है जो सिल्कन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है, जो सिल्कन और मैग्नीशियम से मिलकर
बनी हुई है, मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है, और यह सियाल की अपेक्षा भारी तत्व है। सियाल के बच्चा भारी तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनका घनत्व सियाल के घनत्व से ज्यादा है। सियाल की घनत्व से ज्यादा है। ठीक, अगला थर्ड नीफे। यह पृथ्वी का सबसे नीचे का हिस्सा है, यह अंतरिम भाग है, यह आंतरिक भाग है, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जो निकेल और फेरस से मिलकर बना है। फेरस माने लोहा, आयरन, निकेल और फेरस से मिलकर बना है। फेरस से मिलकर बना है जो भारी तत्व है। इस प्रकार पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग का घनत्व सर्वाधिक है। लगभग 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब इसी के कारण जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे हम परिभ्रमण रोटेशन कहते हैं, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। हाँ, तो अपनी धुरी घूमती है, क्या लिखे, क्या सेंटेंस क्या था, जिस कारण, इसी के कारण, क्या लिखे, पूरी सेंटेंस पढ़िए। तो हम स्थिर रहते हैं। बालक प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में, जब पृथ्वी घूमती है तो हम क्यों नहीं घूमते, उसका जवाब यही है, सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से। उसमें भी हमने पढ़ा, अभी आगे पढ़ेंगे। तो यह था स्वेस महोदय के अनुसार रासायनिक संरचना। ठीक, तो बाकी चीजों को तोड़ तोड़ के कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज काफी लंबा हो गया, लगभग हम लोग 1.5 घंटे से इसी का अध्ययन अध्यापन कर रहे थे, 1.5 घंटे से, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर भी ये मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। अभी कल हम अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे, क्रस्ट अलग पढ़ेंगे और क्रस्ट की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक, फिर भी गुटेनबर्ग, अभी कई लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग लोग, और उनके नामकरण और क्या क्या कारण है, क्योंकि ये सब सारे नाम वैज्ञानिकों के आधार पर होते हैं। ठीक, जिन जो इनकी खोज करते हैं उनके आधार उनका नाम हो जाता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पढ़ेंगे, फिर भी आप लोग इसे इसकी नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि यह नोट्स आपके पूरे जीवन काल प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बेहतर है। जिस परीक्षा में सामान्य अध्ययन का सिलेबस रखा जाएगा वहाँ पे भूगोल की का नाम अपने आप जुबान पे आ जाता है, और जिस भूगोल साइंस और आर्ट दोनों का सब्जेक्ट है, इसलिए पढ़ने में काफ़ी रोचक है। अभी थोड़ा सा पढ़ने में समस्या इसलिए हो रही है, ये फिजिकल फॉर्म इसे कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इसके जस्ट बाद आप मैपिंग पढ़ लेंगे, तो इसके आधार पर अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो जब मैपिंग पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और पूरे जीवन काल के लिए आप भूगोल नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह ज़्यादातर डायग्राम पे, ज़्यादातर मैपिंग पे होता है, इसलिए जल्दी दिमाग में छपते हैं, और हमारा दिमाग चलचित्रों को भी जल्दी याद करता है, जैसा आप समझते हैं। आप भी इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक पहुँच सके, और नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए ज़्यादा अहम और इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके पास हमेशा पड़े रहते हैं। उसके बाद ये जो नोट्स मैं जो लिखवा रहा हूँ, ये NCERT के आधार पर है, क्योंकि जो भी डेटा, जो भी आंकड़े मैं लिखवाऊंगा वो NCERT के फैक्ट आंकड़े होंगे, जो कि आपको कोर्ट में चैलेंज नहीं करने पड़ेंगे, या कोर्ट द्वारा चैलेंज कर सकते हैं आप, इसलिए इन आंकड़ों को पढ़ते रहिएगा। हाँ, एक बार आप ये आंकड़े सबमिट हो जाइएगा, हो सकता है ये मेरे आंकड़े आजकल के बने हुए, आप इस वीडियो को एक हफ्ता बाद, एक साल बाद, एक महीने बाद देखें, तो हो सकता है ये आंकड़े पुराने भी हो जाए, किंतु गहराई
ऐसी है, किसी आंकड़े कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या 63 तो यही रहेगी, लेकिन फिर भी आप भी अपनी तरफ से अपडेट होते रहिएगा। अपडेट होने से क्या होता है, ज्ञान में हमारे बूस्ट होता रहता है और हम चीज़ों को भूलते नहीं, जिसे आप क्या कहते हैं, रिविजन करना। तो फर्स्ट आप लोग इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुँचे, और आप भी ज्योग्राफी मन से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। इसी के बाद जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो पर्यावरण जो है वो इसी का एक पार्ट है, और यह पर्यावरण भारतीय को ही परीक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे तो पर्यावरण पढ़ना और आसान हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।